हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इनकी शुरुआत हो चुकी है और अभी स्कूल भेजना है कावी को। काफ़ी दिन बाद में स्कूल जाएगा तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उसको स्कूल भेजने में। तो चलो जल्दी से कावी को उठाते हैं और उसको स्कूल भेजते हैं। और वो सब ऐसे मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैं पहले सब दिखा चुकी हूँ। रोज़ रोज़ सेम हो जाएगा रूटीन। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ कावी को लेके वापस घर पे। गई थी वो, मैंने आपको दिखाया भी नहीं क्योंकि रोज़ से ही रूटीन रहता है मेरा, तो वही नॉर्मल। इसके जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं काम वाम करती हूँ, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ तो टीवी देख लेती हूँ, अदरवाइज़ एडिटिंग वगैरह। और फिर पौने एक लगभग इसको लाना होता है तो उससे जस्ट पहले या बाद में जो भी खाना वाना बनाना होता है वो सब, तो नॉर्मल रूटीन का काम है। तो मैंने सोचा रोज़ तो क्या ही दिखाऊँ। तो बस अभी मैं कावी को लेके आ गई हूँ और अब क्या करते हैं पता नहीं। आज शायद आज, हाँ, हमारी फ्रेंड है मोनिका, उनके भतीजे का बर्थडे है तो शायद मैं, सुरभि भाई सा, हम लोग जाएंगे उसके बर्थडे पे। और आज के दिन में ऐसा कुछ खास अभी तक होने वाला है नहीं क्योंकि है व्रत मेरा, तो व्रत में तो मेरी वैसे भी हालत नहीं होती कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की। तो बस अब कावी तो देखने वाला है टीवी, मैं उसको खिलाऊँगी खाना, देन उसके बाद में बस वही नॉर्मल अपना टीवी फ़ोन वही सब चलता रहेगा। और क्या कर रहे हैं लड़के? फीस। ये वो तो तुम, अरे यार क्यों गिराता है? रोज़ रोज़ नई गुल्लक लाने देना, उसके बाद में करना जो भी करना है। नहीं उसके बाद तो कुछ भी मत करना, फिर तो एक जगह ही रखना। काफ़ी तेरे नोट उड़ गए उधर पता है। और शाम को आ गए थे दादा दादी सा। इस बीच में मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई नहीं, बस यही शूट किया था। दत्ता से बात करते हैं। नहीं कर ले बात, मेरे तो ही बहुत है। कि मेरे तो ही बहुत है। एक दिन ही लड़ो मग दबा। अपन यानी लड़कियों से नहीं दबाते हैं, पोतों से दबाते हैं। उसके तो पैर छुएंगे ना, अपन दान करेंगे ना उसका, हाँ कन्या है ना, उसको नहीं छुएंगे, उससे नहीं दबाते। ठीक ठीक क्या लाए थे दादी से तेरे लिए? फ्रूटी। फ्रूटी की लालच में हो रहा है क्या? नहीं ऐसे कर रहे हो ना, तो फिर क्यों दोबारा बताना? बस फल ही चाहिए। फल चाहिए? फल मतलब कौन से फ्रूट या वैसे वाला आगे वाला फल? क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा वो वाला फल। अच्छा अच्छा वो फल वो वाला पल वो वाला है। पुण्य का पल। पुण्य भाई, क्लास में फर्स्ट आशु भाई, आप आप जो ना अफसर वर्ण है और जना कह रहे हैं कि भाई मुझे तो मैंने सोचा ये पल वन के। हाँ मैं भी यही सोची। मैं भी यही सोची। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ ऊपर, कावी को खाना खिलाऊंगी और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। आज वैसे मुझे जाना था किसी बर्थडे पार्टी में जो मैंने आपको बताया था व्लॉग में, बट फिर दादा दादी से आने वाले थे और उनका टाइमिंग भी वही था आने का जो मेरे जाने का था, तो फिर मेरे को लगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जस्ट वो आएंगे और मैं जाऊंगी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो मैंने बर्थडे में जाना तो कैंसिल कर दिया। तो बर्थडे में तो हम लोग नहीं गए, शायद सुरभि भाई सा गए होंगे, उनके कॉल भी आए थे सुरभि भाई सा का भी, और मोनिका ने भी कहा था बहुत कि आना, बट यार नहीं जा पाई मैं। बस अभी करते हैं चेंज और करते हैं रेस्ट। अब शायद वीडियो तो पूरा नहीं बन पाया आज क्योंकि मेरा फास्ट था और सर दर्द भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने वीडियो वगैरह व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। बस दत्ता दादी से आया उसके बाद में थोड़ा सा क्लिप वगैरह ली, बाकी पूरा प्रॉपर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया आज के दिन का, तो ये व्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। चलो तो अभी तो मिलते हैं आपको कल। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था कि मैं सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी पर हम देख रहे हैं अभी बिग बॉस, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ।
क्योंकि पता चलने वाला है कि कौन जीतने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि एल्विस जीते, और हमारा कवि भी यही चाहता है, और ये भी अभी तक देख रहा है टीवी, तो देखते हैं लेट्स सी कौन जीतने वाला है। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो पता चल ही जाएगा वैसे भी कौन जीतने वाला है, बट अभी हमें पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है दोनों में से। सो गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ एल्विस ही जीते, पक्का एल्विस जीतेगा। सोच रही हूँ यार, पक्का एल्विस जीतेगा, है ना? देखते हैं यार क्या होता है। 1 2 3 सिस्टम। ये हमको आपके बिग बॉस ओटीटी के सब जहां अभिषेक थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा एल्विस या अभिषेक। योर सिद्धार्थ वाले बिग बॉस के बाद में मैं पहली बार इतनी तकलीफ में हुई किसी की। एल्विस ने तो यार दग-दग हो रही है कौन जीतने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे को पता है क्या, एल्विस यार जीत जाएगा ना, पूरे देश की बस जीत जाए यार, और आज भी सब जीतेगा। हाँ। देखते हैं स्टेज पे आने वाले हैं हम ये दोनों थोड़ी देर में। हमने वोट तो कर दिया। हाँ बेटा मैंने वोट कर दिया बहुत सारा। अभी तो ये बाहर आएंगे फिर देखेंगे फिर पता चलेगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वही जीतेगा। Let's see, इस देश की आवाम ने क्या डिसाइड किया है बिग बॉस ओटीटी के लिए। भैया मैंने तो पहली बार वोट किया है, पहली नहीं दूसरी बार, फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ को दिया था तो रिजल्ट वो जीता था, हमें पता चल गए हैं। सेकंड टाइम एल्विस को, इसको तो बहुत दिया भाई। एंड अभिषेक क्या लगता है आपको? यार अब तो एल्विस है पक्का जी, पहले उसका वोट आता जो नहीं जीतता। क्या लगता है आपको? एल्विस नहीं अभी नहीं, अभी बताएगा। पूरा जीत मिल गया। दिल है, दिल है, घबराहट है दिल में। द विनर अभिषेक इज एल्विस। वो सच में जीत गया। आपको मिलता है 25 लाख का प्राइस मनी इसके ऊपर। सो कवि फाइनली एल्विस जीत गया। ये 1 2 3 सिस्टम। कितनी खुशी हुई है। तेरे बाप जीतो तो ही होने। सच में यार मतलब इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मजा आ गया, मजा आ गया। अगर ये हार जाता तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती। मेरे को तो पूरी रात भर नींद आती, नहीं जिंदगी भर नींद नहीं आती। जिंदगी भर नींद नहीं आती। ओ फेकू फेकू नहीं बोला, बट जो भी हो मजा आया। एल्विस जीत गया, मेरे को तो उसमें मजा आया। ये तो अभी हम इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या करना है हमारे ब्लॉग को? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।